ब्रेक तो बाद खाना सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। पंजाब के राज्यपाल श्रोमणी अकाली दल का वफद मिल के आया। दस दे कि सुखबीर सिंह बादल की अगवाई हेठ गलबात हुई है। राज्यपाल के सामने मीडिया की आजादी से हमले का मुद्दा भी चुकया। सो इस खबर बारे तुहानू होर विस्तार जानकारी देवांगे। फिलहाल तुहानू दस दे कि विधानसभा की जिहड़ी कार्रवाई है अज भी जारी है। हालांकि अज भी हंगामा हुंदा नजर आया। उम्मीद है और उन्होंने एक विश्वास है कि पहली बार पंजाब की बागडोर किसी ईमानदार बंदे वल गई है। साडे मान साहब साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की ईमानदारी दे चर्चे पूरे देशों विदेशों विच है। मान साहब ने पहली बार ये सोचा कि इंडस्ट्री नू पंजाब विच लियाईए ताकि जेड़ा साडा पंजाब की धरती है जेड़ी साडी पंजाब की धरती वो धरती है जिथे हर फैसिलिटी मिल सकती है। पर इन्हां दूजियां सरकारां दे इन्हां दीआं माड़ियां नीतियां करके जेड़ी इंडस्ट्री बाहर चली गई सी अज जो दोबारा पंजाब विच आ रही है। असी पूरी पूरा पंजाब अज धनवादी है सरदार भगवंत सिंह मान जी का जिन्होंने पंजाब की इंडस्ट्री नू मुड़ जीवित किया। मैं सारे मैंबरां वालों पूरे पंजाब वालों धन्नवाद करदी हाँ। तो सानू माण है सरदार भगवंत सिंह मान जी ते कि जेड़े जिन्हों की अगवाई विच अज पंजाब विच बहुत अच्छी सरकार चल रही है और पंजाब विच इंडस्ट्री टूरिज्म पॉलिसी ये सारिया जिहड़ियां पॉलिसियां आई हैं इन्हां पॉलिसियां दे तहत असी टूरिज्म नू भी बढ़ावा देवांगे ते जिहड़ी इंडस्ट्री है उहनू भी बढ़ावा देवांगे। मैं एक औरत होण दे नाते मान साहब नू एक गल तो विधानसभा दे विच कार्रवाई लगातार जारी है जिस नाल राज्यपाल वालों जो भाषण दिता गया सी उस ते लगातार चर्चा जिहड़ी है वह हुई है। रुकदे अगली खबर दा पंजाब दे राज्यपाल नूं अज श्रोमणी अकाली दल दा वफद मिल के आया। दस दे कि सुखबीर सिंह बादल की अगवाई हेठ इत्थे राज्यपाल दे नाल गलबात हुई है। खास तौर पर राज्यपाल के सामने मीडिया की आजादी से हमले का मुद्दा जिहड़ा है श्रोमणी अकाली दल के वफद वालों चुकया गया। फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग नूं रोकण की कोशिश की जा रही है। इस मसले बारे राज्यपाल के सामने जिहड़ा है गल रखी गई है। पैसे ते पुलिस की दुरवरतों किए जाने के इल्जाम भी लगाए ने। उते ही बलजिंदर सिंह हमदर्द नूं सरकार ने धमकाउण की कोशिश की है। जो राज्यपाल मुलाकात करके आए सुखबीर सिंह बादल तां उदों मीडिया नाल गल करदे होए उन्होंने तमाम गल्लां रखियां। पंजाब विच माहौल खराब हो चुकिया है यह कहना है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का। उते ही माइनिंग विच आप दे सारे विधायकों के शामिल होने का इल्जाम भी सुखबीर सिंह बादल ने लगाया। डेमोक्रेसी का सब तो इंपॉर्टेंट पिलर प्रेस मीडिया की आज़ादी पर जिहड़ी अज की सरकार पंजाब की है इस पिलर नूं उन्होंने चकनाचूर कर दिता। मैं लगता कि पहली बार होया पंजाब के इतिहास विच ते हिंदुस्तान के इतिहास विच कि किवें पैसे नाल ड्रा के मीडिया नूं धमकाया जांदा है। जिहड़ा मीडिया सरकार दे खिलाफ लिखदा है उहनां दी एंट्री बैन की जाती है, उहनां दी एडवर्टाइजमेंट बंद की जाती है। जिहड़ी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी इहनां कोल है नहीं। कोई चैनल दो दिन पहले शुरू होया उहनूं किन्ने पैसे देने है, जिहड़ा पुराने है उहनां नूं किन्ने देने है। आ सारा कुछ ही कंट्रोल हुण भगवंत मान की सरकार कर रही है। तुसी देखिया होना कि किवें पंजाब दे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर अजीत अखबार जिहड़ा वॉइस ऑफ पंजाब ही कहा जाता है उस अखबार नूं किवें इन्हां ने प्रेशर पाउण की कोशिश की, किवें उन्हां नूं दबाउण की कोशिश की कि साढ़े हिसाब की खबर लाओ। मीडिया का काम है फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग, पर फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग के खिलाफ आ सरकार चली है। जिहड़ा कोई फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग करने की कोशिश करता है इन्हां ने पब्लिक मनी नू वरत के उन्हूं कुचलन की कोशिश की है। जो साड़ी सरकार सी या कांग्रेस की सरकार सी मसा पब्लिक रिलेशन का बजट 30 करोड़ हुंदा सी, अज इन्हां ने वधा के 750 करोड़ रुपया दे दिता। आ जिहड़ा पैसा पंजाब का पैसा इहदा मतलब पंजाब दे लोकां दी गल बाहर पहुंचाउणी नहीं, आम आदमी पार्टी नूं तगड़ा करना, आम आदमी पार्टी नूं दूजे सूबियां जाके उत्थे प्रचार करना। देखो पंजाब का पैसा वरत्या जा रहा है,
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਜੋ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣ, TV18, ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਨਮਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਬਚਿਆ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਛਾਪੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੰਡਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ।